आज हम छोटे भरवा बैंगन की ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे खाने के बाद घंटों इसका स्वाद मुंह से नहीं जाएगा और जल्दी आपका दोबारा बनाने को मन करेगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रेसिपी के लिए हमने बैंगन लिए हैं छोटे वाले और ये आधा किलो के करीब हैं। पहले तो बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद इस पे हमने कट लगाने हैं। देखिए बिल्कुल अलग नहीं करना, ऐसे चार भागों में हमने कट लगाने हैं और साथ साथ चेक करते जाना है बैंगन खराब तो नहीं है। देखिए जैसे ही हम इसे कट लगाएंगे, हमने सभी बैंगनों को कट लगाने के बाद पानी में डाल दिया है, ये काले ना पड़े। अब हमने लिया एक छोटा पैन, गैस ऑन कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, पहले इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। देखिए कुछ सेकंड भुनने के बाद अभी मैं इसको साइड में कर देती हूं क्योंकि ये बाकी चीजों के साथ भी थोड़ी सी भुनेगी। अब इसमें मैं डाल रही हूं 1 टीस्पून सौंफ। 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और 1 टीस्पून ही मैंने डाला है इसमें सूखा साबुत धनिया और 1/4 टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना। अब इन सब चीजों को भी हमने भून लेना है बहुत अच्छी सी खुशबू आने तक और मूंगफली भी अच्छे से भुन जाए। देखिए सब चीजें बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं, खुशबू भी आ रही है और मूंगफली का छिलका है ना वो भी चटक गया है। अब हमने लिया मिक्सी का जार, ये सारे मसाले को इसमें डाल देते हैं। अब डालेंगे कुछ और चीजें। 1/2 टीस्पून तो मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं अभी 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक का यूज़ हम बाद में भी करेंगे। इसे पीस कर तैयार कर लेंगे सब चीज़ों को एक बार। देखिए सब चीज़ें मिक्स भी हो गई जो हमारे सूखे मसाले थे और बाकी चीज़ें भी पीस गई हैं। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने बैंगन ले लिया है और इस मसाले को इसमें भरेंगे। देखिए बहुत अच्छे से दबाते हुए हमने मसाले को भरना है। देखिए बैंगन गीला है और मसाला अच्छे से चिपक रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बैंगन भरकर। ये देखिए बहुत अच्छे से बैंगन भर चुका है, ऐसे सबको भर लेंगे। देखिए सारे बैंगन को हमने भर लिया, जितना मसाला हमने तैयार किया था सभी यूज हो गया है। अब हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन करेंगे। मैं इसको बनाऊंगी स्मोक मस्टर्ड ऑयल में। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं उसमें बनाऊंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, अभी थोड़ा सा डालें, उसे फैलाते हुए गर्म कर लें। देखिए जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम सारे बैंगन को इसमें डाल देते हैं। इससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी के करीब हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब सारे बैंगन को डाल देंगे। हम बैंगन को फ्राई नहीं करेंगे लेकिन इसे पकाना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसको हम ढककर पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर, लेकिन पलटते ज़रूर रहेंगे, जो बैंगन है 60% तक पक जाएंगे। देखिए 10-12 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और बीच में हमने इसको पलट भी दिया था। आप देख पा रहे होंगे जो बैंगन है ना काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, ज़्यादा ऑयल भी नहीं हमने डाला। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमने लिया कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे और इसमें डालेंगे स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा करा हुआ है, मैं उसी में बना रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, उसे गर्म कर लें। जैसे ये गर्म हो जाएगा मैं कुछ खड़े मसाले, ज़्यादा नहीं, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक छोटी इलायची उसका मुँह खोल लें और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा। मैंने एक प्याज ली थी उसको ना बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। प्याज को हमने भून लेना है सुनहरा होने तक। अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हमने कुछ मसाले भी डालने हैं। देखिए नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूं क्योंकि हमने नमक का यूज पहले कर रखा है बैंगन में। 1/4 टीस्पून मैंने डाल लिया इसमें हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, मैंने उसका यूज़ किया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाएं और जले ना।
देखिए ऐसा करने से प्याज भी कितनी सॉफ्ट हो गई है। मैंने 2 ना टमाटर को मिक्सी में पीस के लिया था, अब हमने टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है। टमाटर भी अच्छे से पक गया, अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे पानी, मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए तेज गैस पर एक उबाल आने देंगे। अब सारे बैंगन को इसमें डाल देते हैं और गैस को लो मीडियम करके इसको ढककर पकाएंगे। मैंने 3 हरी मिर्ची को बिना चीरा लगा के इसमें डाल दिया है। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको ढककर पकाना है। जो बैंगन में थोड़ी बहुत कसर है ना वो पूरी हो जाए, लेकिन बीच में चलाते ज़रूर रहना है। देखिए 10 मिनट तक इसको हमने और ढककर पका लिया है। आप देख पा रहे होंगे जो बैंगन है ना बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये बैंगन बनकर तैयार हैं, जिसे आप चपाती, परांठे, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में टेस्टी भी लगेंगे, सबको पसंद भी आएंगे। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।